हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त मोहित गौड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न सब कुछ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी तोप है जिसको जब चलाया गया था तो उसके गोले की वजह से एक जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब बन गया था और जो तालाब आज भी वहाँ के लोगों के लिए पानी का स्रोत बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहली बार किसी इंसान को नहीं बल्कि एक जानवर को भेजा गया था। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पर आपको टिकट खरीदने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप उस स्टेशन से टिकट नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट और जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बोलेंगे अरे वाह। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसी रोचक बातों को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले 5 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन को पहुंचने में 75 साल लग गए थे, उसके बाद रेडियो को पहुंचने में 38 साल लग गए, उसके बाद टेलीविज़न को पहुंचने में 13 साल लग गए और इंटरनेट को तो मात्र 4 साल में सभी लोगों के पास पहुंचा दिया गया था। दोस्तों, भारतीय नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर उस समय की है जब महात्मा गांधी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फोटो 1996 में नोट पर छपी थी। इससे पहले नोट पर अशोक स्तंभ का फोटो छपा करता था। दोस्तों, भारतीय फिल्म रंग दे बसंती में शुरुआत में जिस घड़ी को दिखाया जाता है, यह घड़ी वही घड़ी है जो भगत सिंह के फांसी के वक्त 7:30 बजे रोक दी गई थी। यह घड़ी रंग दे बसंती में सू नाम की लड़की के दादा की थी जिसने भगत सिंह की फांसी को अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, अर्जेंटीना में एक व्यक्ति ने 7,000 पेड़ों को इस तरीके से लगाया कि वह गिटार बन गया और उसने इस गिटार को अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। दोस्तों, भारत का सिक्किम राज्य देश का पहला जैविक राज्य है और इस राज्य ने प्लास्टिक को रोकने के लिए अपने यहाँ सैलानियों के लिए एक बांस की बोतल बनाई है जो काफ़ी चर्चा में रही थी। दोस्तों, जहाँ आज हर एक देश चाहता है कि उसका अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाए, वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहली बार किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अंतरिक्ष में जा सके, तो इसीलिए सबसे पहली बार एक डॉगी को जिसका नाम लाइका था अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये भेजा था सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 को। दोस्तों, जहां आप आज चेक का बखूबी प्रयोग करते हैं, क्या आप जानते हैं बंगाल बैंक भारत का एकमात्र पहला ऐसा बैंक था जिसने चेक सिस्टम को शुरू किया था और बंगाल बैंक की स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका प्रयोग खूब किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद अगर आपने कोई भी पेपरमेंट युक्त पदार्थ खाया तो ये दोनों मिलकर साइनाइड बनाते हैं जो एक जहर का रूप होता है। तो कभी भी ध्यान रखें, कोल्ड ड्रिंक के बाद कोई भी पेपरमेंट युक्त पदार्थ ना खाएं। दोस्तों, भारत का अटारी स्टेशन एक मात्र ऐसा स्टेशन है जहां पर आपको जाने के लिए पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा भी होना चाहिए। जब आप इस स्टेशन से टिकट खरीदते हैं तो आपके पास पासपोर्ट का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इस स्टेशन से टिकट नहीं खरीद सकते। हालांकि हाल ही में इस स्टेशन का नाम बदलकर अटारी श्याम सिंह स्टेशन कर दिया गया है। 24 घंटे खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों से घिरे इस स्टेशन पर बिना वीजा के पहुंचने वाले नागरिक को 14 फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जयपुर में रखी जय बाढ़ तोप एक मात्र भारत की ऐसी तोप है जिसे विश्व की सबसे बड़ी तोप का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि इस तोप के गोले का वजन 50 किलोग्राम था। एक बार टेस्ट फायरिंग के लिए इस तोप को चलाया गया था जो कि इसका गोला जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के स्थान पर गिरा था और उस स्थान पर एक इतना बड़ा तालाब बन गया कि जो वहां के लोगों के लिए आज भी पानी का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में एक गाँव शिवनगर जिसका नाम हाल ही बदलकर स्नैपडील नगर कर दिया गया है। स्नैपडील वही है जो ई कॉमर्स कंपनी है, क्योंकि स्नैपडील ने उस गांव में 14 नल लगवाए थे जिससे वहां के लोगों की पानी की समस्या खत्म हो गई। तो उस गांव के लोगों ने यह फैसला किया इस गांव का नाम बदलकर snapdeal.com नगर कर दिया जाएगा और अब इस गांव को snapdeal.com नगर के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ रोचक और मजेदार तथ्य। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर आ जाएंगे दोस्तों ऐसे ही मजेदार रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न सब कुछ।